Let us go for the next part. Again, this is something of is not explained, or I can say this is something which is given directly. Okay. तो ये चीज भी हम थोड़ा डायरेक्टली पढ़ेंगे, जैसे हमने स्ट्रोक्स लॉ पढ़ा है और अभी हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर. ओके, रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं. ओके, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, अभी हमने फ्लो पढ़ा था स्टार्टिंग में चैप्टर में, मतलब टेक्स्ट बुक में ये बीच में ही डाल के रखा है आंसर, मैंने इसको लास्ट में लिया बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसलिए मैंने इसके बाद ये टॉपिक डिजाइन किया. बेसिकली एक फ्लो कौन सा है ये हमें पता चलता है रेनॉल्ड्स नंबर से, या फिर बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिसाइड करता है कि फ्लो विच टाइप इट इज, वेदर इट इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट. जैसे कि मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स, वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, अदर वन इज टर्बुलेंट. तो दिया हुआ जो फ्लो है, मतलब आपके सामने से अगर कोई फ्लूइड फ्लो है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है, वो हमें वेलोसिटी से पता चलेगा. द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट इट एवरी डिपेंड्स अपॉन वन पॉइंट, वन टाइप ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर से आपसे वो एग्जाम्पल बात करता हूं. अगर मैं टैप की बात करूं, नल जो घर पे टैप रहता है, पानी का नल रहता है, थोड़ा सा खोल दोगे तो उसमें से पानी एकदम स्मूथली बाहर निकलता है, पर जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल जैसे से नीचे आ रहे, इट इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उनकी स्पीड बढ़ेगी, एक्सीलरेट होगा और वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे. तो यहाँ पे फ्लो जो है वो मुझे दिखता है कि स्टार्टिंग में ऊपर थोड़ा फ्लो एकदम स्मूथ है और नीचे की तरफ ऐसा फ्लो बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गई. तो मैं बोल सकता हूं भाई ये जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है और ये जो है वो टर्बुलेंट है, क्योंकि ये डिसिप्लिन में हो रहा है और ये रैंडमली हो रहा है. तो यहां पे एक वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया. द वेलोसिटी एट विच स्ट्रीमलाइन फ्लो गेट कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो, That velocity is called critical velocity. क्या बोलते हैं उसको? Critical velocity. नाम याद रखो, critical velocity is that velocity where streamline flow get converted into turbulent flow. Critical velocity is that velocity where streamline flow get converted into turbulent flow. तो ये critical velocity किस पे depend करती है? तो ये depend करती है कि लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी, ये डिपेंड करते हैं लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब ऑन विच इट इज फ्लोइंग, मतलब जिस पाइप से, जिस ट्यूब से वो लिक्विड फ्लो हो रही है उसके डायमीटर पे भी डिपेंड करती है. ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी, नो डाउट. लिक्विड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करते हैं और डायमीटर ऑफ ट्यूब पे भी डिपेंड करते हैं. ये ढूंढा रेनॉल्ड्स ने. रेनॉल्ड्स बोल रहा है कि भाई क्रिटिकल वेलोसिटी अपने को अगर फाइंड करना है तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डायमीटर. इफ यू रिमूव दिस साइन, यहां पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, लेट्स से आर ईटा बाय रो डी. ये जो R है ना, इस R को हम बोलेंगे रेनॉल्ड्स नंबर. इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट, ये रेनॉल्ड्स नंबर है. अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है तो VC रो D बाय ईटा. ये VC बोलने से अच्छा मैं बोल दूंगा इट इज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड. ओके, वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, किसी पॉइंट में ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है. ठीक है, तो अगर यहां पे कुछ वेलोसिटी, यहां पे कुछ वेलोसिटी, ये VC, तो फ्लो स्ट्रीमलाइन कब होगा? जब वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो फ्लो गारंटेडली स्ट्रीमलाइन है. एंड देन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो फ्लो गारंटेडली टर्बुलेंट है. ठीक है, तो सारा गेम किसका है? वेलोसिटी. तो अगर मैं यहां की V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां,
तो मुझे आंसर आर का समवेयर अराउंड लेस देन 1000 आएगा, मतलब 1000 से 1000 से अगर कम वैल्यू आई आर की तो फ्लो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। और आर की वैल्यू मैंने वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एनी पॉइंट, आई डोंट नो कौन से पॉइंट का मुझे वी का वैल्यू में यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और मुझे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 आई, तो मेरे लिए फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है। और अगर आर की वैल्यू 1000 से लेके 2000 है आई, दैट मींस फ्लो अनस्टेडी है, मतलब यहां पे कन्वर्जन चल रहा है, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में बदल रहा है। तो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर से हमें पता चलेगा फ्लो कौन सा है, ठीक है। अभी सोचो आपको एक वी का वैल्यू दिया रहेगा, हर टाइम आपको क्रिटिकल वैल्यू मालूम रहेगा जरूरी नहीं है। सपोज आपको कुछ वी दे दिया किसी ने कि भाई लिक्विड ये वी से फ्लो हो रही है, ये ट्यूब से फ्लो हो रही है, ओके। तो आपको ये सारे वैल्यूज पता है, ये सारे वैल्यूज आपको पता है, आपने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, आर ढूंढा, अगर आर का आंसर 800 आ गया तो आप बोलोगे हाँ उस ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो है, जो फ्लूइड फ्लो है ना, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर R का वैल्यू 2000 से ज्यादा है, किलोग्राम से 2200 आया, 2300 आया, तो मैं बोलूंगा हाँ फ्लो टर्बुलेंट है। और R का वैल्यू अगर 1000 और 2000 के बीच में आया, मैं बोलूंगा फ्लो जो है वो कैसे है, अनस्टेडी, मतलब स्ट्रीमलाइन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट, ठीक है। तो बेसिकली रेनॉल्ड नंबर से हमें फ्लो का नेचर पता चलेगा कि ये कंडीशन मिला तो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, ये मिला तो टर्बुलेंट है, और ये मिला तो अनस्टेडी है, ठीक है। तो आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा रेनॉल्ड्स नंबर का क्या है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, एक मार्क का एमसीक्यू इसमें पूछ सकते हैं, तो यू कैन इजीली राइट डाउन, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। बेसिकली लास्ट पॉइंट याद रखो कि रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो। आपको सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए, कौन सा फ्लूइड है, मतलब उसकी विस्कोसिटी मालूम होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी मालूम हो जाएगी। ये तो दोनों लिक्विड का नेचर है, विस्कोसिटी भी लिक्विड पे डिपेंड करता है और रो डेंसिटी भी लिक्विड पे डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल, मतलब ग्लिसरिन लिया तो कुछ वैल्यू आएगा, हनी लिया तो कुछ वैल्यू आएगा, वाटर लिया तो कुछ वैल्यू आएगा। तो ये तो बाबा फ्लूइड पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे डिपेंड करता है, जिस ट्यूब से जा रहा है डायमीटर ऑफ द ट्यूब मालूम होना चाहिए, और आपको वी पता होना चाहिए कि भाई ये पॉइंट पे फ्लो कैसे है, तो उस पॉइंट का वी पता होना चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको पता चलेगा कि विच टाइप ऑफ फ्लो इट इज, वेदर इट इज स्ट्रीमलाइन, वेदर इट इज टर्बुलेंट, वेदर इट इज अनस्टेडी, ठीक है। सो वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट रेनॉल्ड्स नंबर टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ फ्लो, एंड इट्स अ प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है, नंबर है, ठीक है बच्चों। I hope you understood. So that's it. We have covered up entire hydrodynamics which is there in your syllabus. Thank you very much.